नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना है, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां कर। चार चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, अब पूर्वांचल की बारी है। पूर्वांचल में वैसे तो बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है, लेकिन टारगेट ये लेकर चल रही है कि अगर उसे बाहुबलियों का साथ मिल गया तो वो बड़ा चमत्कार कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी धनंजय सिंह और राजा भैया को साधने में जुटी है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कोंडा के विधायक राजा भैया के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। राजा भैया से मुलाकात कर कौशाम्बी सीट पर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा है। दोनों नेता काफी देर तक राजा भैया की कोंडा कोठी पर मौजूद रहे। इससे पहले राजा भैया की अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था कि राजा भैया बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद राजा भैया ने बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही दे दिया है। राजा भैया ने साफ कर दिया है कि उनके पार्टी का किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए जनसत्ता दल किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रही है। नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन का हवाला देते हुए राजा भैया ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के बंधनों से मुक्त करते हुए स्वच्छंद होकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतदान करने की सलाह दी है। साफ साफ बोल दिया है कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो भी ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं। और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां कर। अब सवाल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से हुई मुलाकात का भी था, तो राजा भैया ने बड़े ही साफ गोई से ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उनसे पारिवारिक संबंध है, तो उसी लिहाज से मुलाकात हुई। जहाँ तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं, उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। दरअसल कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में थे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हीरागंज आने से पहले तक अटकलें लग रही थी कि राजा भैया मंच शेयर करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर का समर्थन करेंगे, लेकिन न तो अमित शाह के मंच पर गए और न ही समर्थन दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।